तीज त्योहारों में मावा मिठाई के साथ ही अन्य खाद्य पदार्थों की डिमांड काफी बढ़ जाती है। ऐसे में इनमें मिलावट और घटिया प्रोडक्ट की संभावना भी काफी अधिक रहती है। इससे निपटने के लिए इन दिनों विभाग सतर्कता बरत रहा है, लगातार सैंपलिंग कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विभाग अपनी उस मुहिम को भूल गया जो 2 साल पहले उसने शुरू की थी। इस मुहिम के तहत विभाग ने मिठाई दुकानदारों को मिठाई बनाने और एक्सपायरी की तारीख दुकान और प्रोडक्ट के ट्रे पे चस्पा करने को कहा था। हालत यह है कि बाजार में बेधड़क दुकानदार बिना कोई ऐसी सूचना चस्पा किए अपनी मिठाई बेच रहे हैं। आपको बता दें, जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप न होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। घटिया क्वालिटी और डुप्लीकेट कंपनी के रैपर लगे खाद्य पदार्थों को कुमाऊं के बाजारों में पाया जाना आम हो चला है। आपको बता दें कि यूपी की तमाम छोटी कंपनियों के घटिया प्रोडक्ट से बाजार भरा पड़ा है। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के आंकड़े भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। जिला अभिहित अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष जनवरी माह से लेकर अब तक 195 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए, जिनमें 173 की रिपोर्ट आ चुकी है। इनमें 43 सैंपल अधुमानक, 5 मिथ्या छाप यानी रैपर में गलत सूचना अंकित से संबंधित है, 2 प्रोडक्ट असुरक्षित पाए गए हैं जो कि घी कंपनी से संबंधित है। वहीं इस वर्ष अब तक विभाग की ओर से 62 वाद दायर किए जा चुके हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। त्योहार को देखते हुए हमारा विभाग हालांकि पहले से ही काम कार्रवाई करता रहता है और जितनी भी तरह के खाद्य पदार्थ है सबकी रेगुलर सैंपलिंग करते हैं, लेकिन दिवाली के समय जिस तरह से ज्यादा डिमांड होती है तो आशंका बढ़ जाती है कि कुछ लोग मिलावटी सामान बेच सकते हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग लगातार जांच कर रहे हैं। तो जो लोग बाहर से सप्लाई करते हैं दूध, मावा, पनीर, उन लोगों की गाड़ियों की भी जाँच की जा रही है। और उसके अलावा जो बड़े दुकानें हैं या छोटे सप्लायर हैं, खुला बेच रहे हैं, हर तरह के हर कैटेगरी के जो खाद्य व्यापार करता है उनकी जांच करके सैंपलिंग की जा रही है, भेजा जा रहा है।